दोस्तों, छोटे पर्दे पर कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें अपने डेब्यू सीरियल से तो कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही उन्हें कोई खास पहचान मिली और ना ही किसी ने उन्हें जाना। पर हाँ, एक सीरियल से उनकी किस्मत ऐसी बदली कि वो आज सभी बहुत बड़े और ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए हैं, जिन्हें जनता बेहद पसंद करती है। तो आखिरकार कौन सी है वो एक्ट्रेसेस और किसने और कैसे उनकी किस्मत बदली, इसलिए आपको भी बताते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। नंबर वन, श्रद्धा आर्या। कुंडली भाग्य सीरियल से आज हर घर में अपने नाम के डंके बजवा रही श्रद्धा आर्या का पहला डेब्यू सीरियल मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की था, जिसके बाद इन्होंने तुम्हारी पाखी जैसे भी कई बड़े सीरियल में काम किया, पर असली पहचान तो इन्हें अपने असली शो कुंडली भाग्य सीरियल से मिली थी। नंबर टू, अदा खान। अमृत मंथन और बहने जैसे सीरियल में काम कर चुकी अदा खान को इस सीरियल में खास हाथ नहीं लगा, लेकिन तब फेमस हुई जब इन्हें नागिन सीरियल में सेसा का किरदार निभाते हुए देखा गया, जिसमें इन्होंने काली नागिन के किरदार को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर निभाया था। नंबर थ्री, देवोलीना भट्टाचार्य जी। देवोलीना भट्टाचार्य जी आज साथ निभाना साथिया सीरियल में गोपी बहू के किरदार के लिए जाने जाती है, जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले ये शुभ विवाह जैसे सीरियल में काम कर चुकी हैं। नंबर फोर, दीपिका कक्कर। नीर भरे तेरे नैना ये वो सीरियल था जिससे एक्ट्रेस दीपिका कक्कर ने टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, पर कामयाबी के शिखर पर ये तब पहुंची जब इन्होंने ससुराल सिमर के सीरियल में सिमर की भूमिका निभाई थी। नंबर फाइव, रश्मि देसाई। टीवी की बोल्ड और हॉट एक्ट्रेस रश्मि देसाई को आज कौन नहीं जानता, जो आज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों में छाप हुई है, और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने उत्तरन सीरियल से अपनी किस्मत का बंद ताला खोलते हुए खूब तरक्की हासिल की है। नंबर सिक्स, शिवांगी जोशी। यूं तो अभिनेत्री शिवांगी जोशी बेगूसराय और खेलती है जिंदगी, आंख में चोली में एक्टिंग करने लगी थी, पर असली पहचान इन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से नायरा का किरदार निभाकर मिला था। वेल दोस्तों, आप इन अभिनेत्रियों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।